तो क्या चल रहा है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 12th मार्च एंड कल तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। कल का अगर तुम लोग ने वीडियो देखा है तो भाई मेरी तो पूरी हालत टाइट हो गई थी। यहाँ के मैं तुरंत सो गया एंड सुबह यार उठने हुआ नहीं जल्दी। एंड अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे पेनिडा ईस्ट की ट्रिप में, जो कि अतू बीच, डायमंड बीच और ट्री हाउस। सो यस, होपफुली आज का दिन कल के दिन जैसा ना हो। और भाई आज तो बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक दो शूज़ ख़राब हो चुके हैं और मेरे पास अभी एक ही शूज़ बचे हैं और वो भी ख़राब हो गए ना। तो भाई सो लेट्स गो। सो गाइस चेंज ऑफ प्लान। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए स्नॉकलिंग के लिए। स्नॉकलिंग मतलब अंडर वाटर जो डाइविंग होता है, जैसे कि मूवीज़ में बताते हैं उसके लिए। तो पता नहीं ये कौन सा बीच है, रैंडमली हम लोग बस रुक गए एंड स्नॉकलिंग का पूछ लिया। सो अभी बात चल रही है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं तुम लोगों को बीच दिखा देता हूँ जहाँ पे स्नॉकलिंग होता है। इन दिस वाटर इज इंक्लूडेड। What do we get? What do we get in this? In total, the going to the Manta Bay, Gamma Bay, Crystal Bay, and Wall Bay. Include insurance, towel, water for the bedroom. बना बेटा। सही। तुम लोग को पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना है, तुम लोग को ऐसे ही इसमें खेलो, इधर ही शिप में डालो। फिर से निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो यहाँ से, उस साइड निकलो। फाइनल डील क्लोज कर रहा हूँ 14 में। ये हम लोग का एक्सपर्ट नेगोशिएटर है। इफ लॉस, या इफ लॉस यू कैन बाय एक्स्ट्रा मास्क। कुछ भी गुम गया तो इतना पैसा भरने का है, देख लो बहुत महंगा है। $70 $20 है, ₹875 पर पर्सन है, सब कुछ हो रहा है। हां सब कुछ। अच्छा 9 9। ओके गिव 25। बाय बाय सिओ ने कोलिमा ना बिना से वाला शिक्षक हो जाए। ओके 875। यस नाउ दिस इज 525। दिस इज 6 दैट वी वुड गो इन प्लेसेस टर्निंग द मेमोरीज फेडिंग गोस अराउंड लाइक ट्रबल इट ऑल ग्रू इनटू हेडिंग क्लाउड्स ऑफ ब्लू। सो गाइस वी आर ऑल सेट फॉर स्नॉर्कलिंग एंड अंडर वाटर डाइव करने के लिए। एंड हम लोग की बोट भी आ चुकी है, मैं तुम लोगों को बोट दिखा देता हूँ। तो भाई ये है अपनी बोट एंड अभी ये जाएगा बोट पे बीच में लेके जाएगा और भाई हम लोग को फेंक देगा। और भाई यहाँ पे बारिश भी आ रही है तो ये लोग भी थोड़ा स्केप्टिक लग रहे हैं कि लेके जाना है या नहीं। लेट्स सी। क्या बन गया Just follow every move, touch me, let me know you want it too, don't let what you need. To see it very closely, very very closely. Super. अपना अपना पाइप डालो और नीचे चलो, मैं सबको कवर करता हूँ। सब लोग पानी के नीचे चलो, उनको इग्नोर करो, इधर देखो। Don't ever let me go.
तो भाई फाइनली स्नॉर्कलिंग खत्म हो गई है एंड भाई शुरुआत में तो बहुत फट रही थी बट आगे जाके ये लोग ने बहुत हेल्प किया। रितेश दम घुट रहा था और ऐसा लग रहा था भाई मैं तो मर ही जाएगा बट एंड ऑफ द डे अच्छा हुआ सीख गया। कम तो भाई ये है वैष्णव स्नॉर्कलिंग की पब्लिक सो गाइज मैं होटल में आ गया हूँ फिलहाल अपने कॉटेज में रूम में जो भी है एंड यार क्या दिन था आज का। आई एम श्योर इफ नॉट द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डेज। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था स्नॉर्कलिंग का। लाइफ में पहली बार किया। बहुत टाइम से सोच रहा था करना है लेकिन आज फाइनली हो गया। स्कूबा डाइविंग नहीं थी स्नॉर्कलिंग थी। स्नॉर्कलिंग थोड़ी अलग होती है स्कूबा डाइविंग से बट यार जो फटी है मेरा फर्स्ट और सेकेंड टाइम टोटल 4 स्पॉट्स थे हमारे पास जिधर वो लोग लेके गए थे हमको। उसमें से 2 स्पॉट्स तो मैं जा ही नहीं पाया एंड पानी भी भाई ऐसा नहीं कि जहाँ पे कम डेप्थ हो वहाँ पे लेके गए भाई समुंदर के बीच में डाल दिया। समुंदर के बीच में मतलब यू कैन इमेजिन। पहले एक तो टेंशन कि तैर नहीं पाए डूब गए एक तो दिमाग में रहता है। वहाँ पे जब समुंदर के बीच में तुम उतरते हो ना बोट से भाई पहली बार तो बोट छोड़ने का ही मन नहीं करता है। बोट का वो जो सीढ़ी होता है ना वही पकड़ के तुम खड़े रहते हो। आपको आदत होती है नाक से सांस लेने की तो जब आप लोग अंदर जाते हो ना तो आपको लगता है कि अरे यार मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ और आप पैनिक होने लगते हो। पैनिक होना शुरू हुआ मतलब खत्म। वहीं पे आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं डूब रहा हूँ ये वो ये चिल्लाओ भाई हेल्प फिर हेल्प करने बंदे कूदे फिर वो 2-3 बार ऊपर लेके गए धीरे धीरे ट्राई किया एंड फिर भाई जो मज़ा आया हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। मतलब भाई ऐसा लगे कि पानी के नीचे पूरी अलग ही दुनिया है। कुछ आवाज़ नहीं बस पानी की आवाज़ आती है और आप अंदर जब फिशेस को देखते हो ना भाई ऐसा लगता है कि क्या ये अलग ही दुनिया है पूरी। तो अगर बाली में आ रहे हो तो ज़रूर उसको ट्राई करो। मतलब बहुत चीप था हम लोगों को तो पर पर्सन 800 या 900 हो गया। उसमें भी 4 स्पॉट थे 4 बार पानी में फेंका था हम लोगों को। उसमें तो मैंने तो भाई 2 ही किए बाकी 2 तो मैं वो सीढ़ी को पकड़ के खड़ा था चुपचाप। तो अगर भाई बाली आ रहे हो या कहीं भी तुम्हारे आसपास है तो ज़रूर ट्राई करो एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए पीस आउट।